बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत यूं तो आजकल अपने बेबाक बयानों के लिए लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस बीते कुछ दिनों से अपने ट्वीट के जरिए स्टार्स पर निशाना तो साध ही रही हैं, लेकिन इस बीच में मौका मिलने पर अक्सर अपनी कुछ नई पुरानी यादें भी साझा कर देती हैं। उन सबके बावजूद एक्ट्रेस अपनी पर्सनल जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने भांजे पृथ्वी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। कंगना सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। कुछ दिनों पहले कंगना ने अपने भांजे पृथ्वीराज के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी जो काफ़ी वायरल हुई थी। कंगना का भांजा पृथ्वी भी उनके साथ खूब एंजॉय करता दिख रहा है। अब एक्ट्रेस ने पृथ्वीराज के साथ एक और तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसमें कंगना खुद पृथ्वीराज के साथ खेलती नजर आ रही हैं। वहीं पृथ्वीराज भी मौसी के साथ खूब मस्ती करते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पृथ्वीराज ने उनका दिल चुरा लिया है। कंगना ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, एक छोटा सा लड़का है जिसने मेरी सूरत चुरा ली, मेरी हंसी, मेरे बालों का कलर्स, मेरा दिल सब चुरा लिया है। इस लड़के को कोई कुछ क्यों नहीं कहता। तस्वीर के साथ कंगना ने एक हर्ट इमोजी भी बनाया है। इससे पहले कंगना ने भांजे की जो तस्वीर शेयर की थी उसमें पृथ्वीराज अपने डॉगी के साथ खेल रहे थे। फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा था, माई बेबीज और इसके साथ एक दिल बनाया था। कंगना की उसके भांजे पृथ्वी के साथ ट्यूनिंग कमाल की है। दोनों अक्सर साथ में मस्ती करते नजर आते हैं। कंगना का पृथ्वी से लगाव इतना ज्यादा है कि वे उसे लेकर मणिकर्णिका की स्क्रीनिंग में भी पहुंच गई थी। कंगना इन दिनों अपने काम से ज्यादा विवादित बयानों के लिए चर्चा में है। कंगना इस वक्त लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री से पंगा लिए हुए हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार न्याय की मांग कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने नेपोटिज्म के नाम पर कई स्टार्स पर हमला बोला। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में 99% लोगों पर ड्रग्स लेने का आरोप भी लगाया। इसी बीच वो मुंबई भी गई और सीधे शिवसेना से भिड़ गईं। बीएमसी ने अवैध निर्माण पर का हवाला देते हुए उनका ऑफिस तोड़ा तो कंगना ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पे ले लिया। हाल ही में कंगना ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल एक चैनल से बात करते हुए कंगना ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच और फीमेल एक्ट्रेस के प्रेशर को लेकर बात की है। कंगना ने कहा कि चाहे कोई एक्ट्रेस कितनी भी सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर उन्हें कोई फिल्म करनी है तो उन्हें डायरेक्टर या एक्टर को खुश करना ही होगा। कंगना ने यह भी बताया कि कुछ बड़े सुपरस्टार्स ये उम्मीद करते हैं कि सेट पर एक्ट्रेस उनके साथ एक पत्नी की तरह बिहेव करे। कंगना ने कहा, मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको जनरलाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं जिससे भी मिली हूँ, ए लिस्ट, बी लिस्ट और बड़े सुपरस्टार्स, वे सभी यही उम्मीद करते हैं कि एक्ट्रेस उनके साथ एक पत्नी जैसा बिहेव करे। अगली फिल्म आती है तो अगला हीरो आता है, ये इंडस्ट्री का सच है। इसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के साथ बयानबाजी को लेकर खबरों में आई। फिलहाल कंगना ने दीपिका पादुकोण को पर ड्रग मामले को लेकर निशाना साधा है। दीपिका पादुकोण का नाम बॉलीवुड ड्रग्स कंट्रोल मामले में आने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से उन पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा, मेरे बात दोहराएं, डिप्रेशन नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एक परिणाम है। तथाकथित हाई सोसाइटी के अमीर स्टार किड जो आला दर्जे और अच्छी परवरिश होने का दावा करते हैं, अपने मैनेजर से पूछते हैं, माल है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।